वीडियो नंबर 66 में आप सबका स्वागत है। जय गंगा मैया, जय कुंभ 2019। दोस्तों, ये कुंभ मेला 2019 इलाहाबाद में होने जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 14 तारीख से शुरू होने वाले मेले में करोड़ों की भीड़ आने की उम्मीद है। यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संगम नगरी इलाहाबाद में 2019 में लगने वाले कुंभ का लोगो यानी प्रतीक चिन्ह जारी किया जा चुका है और स्नान की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। परंपरागत रूप से हिंदुओं का मानना है कि किसी भी कुंभ मेले में पवित्र गंगा या अन्य पवित्र नदियों में 3 डुबकी लगाने से कोई भी पूर्व वर्तमान और भविष्य के जन्मों के सभी पूर्व वर्तमान और भावी पापों को धोकर जन्म पुनर्जन्म और मृत्यु के आवागमन चक्र से मुक्त हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार कुंभ मेले में सभी तीर्थयात्रियों को जीवन में शुभता, पवित्रता और मोक्ष भावना आत्मसात करने का मौका मिलता है। इस तरह पवित्र प्रयाग इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर स्नान का मौका आने वाला है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा था, इसीलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 बरस बाद लगता आया है। 12 साल बाद यह मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है। जबकि कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 BC में शुरू हुआ था। कुंभ मेले के आयोजन का प्रावधान कब से है, इस बारे में विद्वानों में अनेक भ्रांतियां हैं। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ तथा अर्धकुंभ स्नान मेला जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रमाणित तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन 617-647 के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद् आग जगतगुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने दिसनामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की। कुंभ में महत्वपूर्ण ग्रह। कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होता है। सागर मंथन से जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब अमृत घट को लेकर देवताओं और असुरों में खींचा तानी शुरू हो गई। ऐसे में अमृत का कलश से छलक कर अमृत की बूंद जहां पर गिरी, वहां पर कुंभ का आयोजन किया गया। अमृत की खींचा तानी के समय चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया। गुरु ने कलश को छुपा कर रखा। सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि इन 4 ग्रहों के सहयोग से अमृत की रक्षा हुई थी। 12 वर्ष नहीं, हर 3रे वर्ष लगता है कुंभ। गुरु एक राशि लगभग 1 वर्ष रहता है। इस तरह 12 राशि में भ्रमण करते हुए उसे 12 वर्ष का समय लगता है, इसलिए हर 12 साल बाद फिर उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3रे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में प्रयाग के कुंभ का विशेष महत्व है। हर 144 वर्ष बाद यहां महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के संबंध में मान्यता शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का दिन होता है, इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। इलाहाबाद के संगम तट पर 2019 में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। खगोल गणनाओं के अनुसार कुंभ मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगली का माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है।
यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है।